क्या सेट कर रही बेटा? क्या सेट? सारे शूज सेट कर रही बेटी। गुड गर्ल। उसके बाद आपने हैंड वॉश करने। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जो हिमांशु रैंक को सीधा करिए। ऑल दो ये काफ़ी पुराना है, से शू रैंक है। एक्चुअली हम लोगों ने सेकंड हैंड बाय किया था, कोई फैमिली थी वो शिफ्ट हो रही थी तो OLX पे ऐड आया हुआ था, तो फिर हम लोगों ने वहाँ से ये बाय कर लिया था। और यहाँ पर ये भैया की आई चेक करें। जैसे मैंने फ्लैश लाइट ऑन की उसने बिल्कुल बड़ी सी आँखें खोल ली। हैंड वॉश करके बोले गो गो गो। और यहाँ पर जो मैं अभी आपको वीटाबिक्स खिलाने लगी थी, वीटाबिक्स बेसिकली बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बिस्किट बनाया हुआ है दैट इज़ फुल ऑफ फाइबर्स। तो मैं इसको अभी आपको ना थोड़ा सा खिला देती हूँ ताकि जो है उसका पेट भरा रहे और वो इतना तंग नहीं करे। तो बस एक टाइम थोड़ा सा मैं इसको लाजमी अभी खिलाने लग गई क्योंकि अब वो माशाल्लाह बड़ी हो रही है तो उसको भूख लगती है। तो यहाँ पर जी अबिया को बिनिश खिला रही है, बिस्किट खिला रही है और साथ में देखिए अबिया माशाल्लाह कितनी खुश हो रही है। आगे मैं आपको इसकी आवाज़ें सुनाती हूँ। बहुत मज़े की जी उठने पकड़ के हाथ पकड़ के। नहीं मैंने नहीं उठाना। नहीं आज तुम आ तुम ईमान आप ही तंग कर रही है। आप ही तंग करती है बहुत ज़्यादा। चलो अभी पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ आप ही। हाँ जी कौन ईमान हो रही है आपसे बेटा? पीछे हो जाओ। चलो अभी बात सुन लो, पीछे हो जाओ। हाँ क्या हुआ है? हाँ हाँ जी किधर जा रहे हैं आपने? किधर जा रहे हैं आपने? इस वक्त रात के कोई बज रहे हैं जी, 1:15 बज रहे हैं जी। शन ग्रॉसरी इतने गलत टाइम पर करके लाएँ कि मुझे चीज़ें समेटनी पड़ रही हैं। तो ये मेरे की कमर्स ख़राब होने वाले थे। ये जल्दी ज़्यादा देर नहीं रहते हैं फ्रिज में, बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं। इनका मैं पिकल डाल रही हूँ बट इस बार मैं इसके अंदर लेमन भी डालूँगी, विनेगर भी डालूँगी और इसको डाइल्यूट कर दूँगी, सही है? और साथ में मैं कैरेट्स भी डालूँगी। ये फ्रूट मैंने काटे हैं। इसके अलावा ये जो है स्ट्रॉबेरी ख़राब हो रही थी तो इसको मैं अब फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। और ये स्ट्रॉबेरी को पानी में मैंने थोड़ा सा विनेगर डाला है और डिप करके रखा है और फिर मैं इसको ड्राई करके फ्रिज में रखूँगी ताकि ये खा सके। ईमान ने खाई है एक तो मुझे लग रहा है कि वो फिर से इंशाल्लाह लेगी। सो उसी के लिए मैं ये कर रही हूँ कि भाई ख़राब ना हो, ज़्यादा देर तक रह सके क्योंकि ईमान एक ही बहुत मुश्किल से खाएगी। एक एक भी करके खाती है ना तो मेरे लिए बहुत है। तो चलिए जी काम पर वापस लगती हूँ। सो यहाँ पर जो काम हो चुका है, चीज़ें मैंने समेट ली हैं, मतलब कि जो जो काटना था वो काट लिया। और साथ में मैंने ये आलू कट किए हैं, मैं अभी एयर फ्रायर में कुक करूँगी तो बहुत मज़े के फ्राइज बन जाएंगे। एंड दैट्स इट। और जो यहाँ से मैं पॉट निकाल रही हूँ क्योंकि मैं जिशान के लिए पॉपकॉर्न बनाने लगी हूँ। और जी मैं बटर काटते हुए ये कट ही दिया, फ्रीजर से निकाला है मैंने। बटर वाले बहुत मज़े के पॉपकॉर्न बनते हैं। सो इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर और अब डालूंगी जी मैं पॉपकॉर्न। और ये जी पॉपकॉर्न बनना शुरू हो गए हैं। और जी वहाँ पर पॉपकॉर्न्स बन चुके हैं और जिशान कह रहे थे मैंने फ्राई चिप्स खानी है तो मैं फिर फ्राई चिप्स बना रही हूँ। ऑल दो उन्होंने कहा था मैंने कुछ भी नहीं खाना तो मैंने सिर्फ अपने लिए आलू काटे थे। और अब जब काम से फारिग होने वाली तो जिशान साहब ने कहा मुझे आलू की चिप्स खानी है, वो भी डीप फ्राई। और यहाँ पर जो मैंने फ्राइज सर्व कर दिए, इससे पहले मैंने पॉपकॉर्न सर्व किए तो जब फ्राइज आई ना तो उन्होंने कहा पॉपकॉर्न आप खा लो मैं फ्राइज़ खाऊंगा। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैंने अपनी भी फ्राइज़ जो है मैं बना रही हूँ, कोई मसला नहीं, आप जो है वो पॉपकॉर्न खाएं, फ्राइज़ भी खाएं, मेरे लिए भी फ्राइज़ है, मैं आपसे थोड़े से पॉपकॉर्न भी ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी जो है वो फ्राइज़ बन रही हैं, उसके बाद मैं भी फ्राइज़ खाऊँगी।
पहले मैंने फिश को अच्छे तरीके से धो के रख दिया था और अच्छे से इसका पानी जो है वह निकलने दिया है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ना सिप्पा डाला है, थोड़ा सा डाला है, और साथ मैंने सॉल्ट डाली है। अब मैं थोड़ी देर इस तरह से लगा कर इसको रख दूँगी और उसके बाद हाफ एन आवर के बाद मैं इसको वॉश करूँगी। ठीक है जी, तो इसको लगा कर मैंने रख दी है और अब मैं आधे घंटे बाद या 15 मिनट के बाद इसको वॉश कर लूँगी। लेट्स सी कितना टाइम मैं दे पाती हूँ, क्योंकि खाना बनाना है जल्दी। तकरीबन 15 मिनट हुए हैं और अब मैं इसको वॉश करने लगी हूँ। वॉश करने के बाद मैं इसको करूँगी जी मैरिनेट, क्योंकि मैंने बनानी है बेसन वाली फ़िश, तो उसके लिए मुझे मैरिनेट करना होगा। फिश को मैंने वॉश करके रख दिया है, अब ये थोड़ी देर ड्रेन हो गया और उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। मैंने बेसन ले लिया है, मैं बेसन आपको बताती हूँ कितना लिया। ये मेरा जो चम्मच है ना, ये मैंने लिया है 2 भरकर और 1/2 लिया है। ठीक है जी, और यहाँ पर जो हमारे पास फिश है वो ऑलमोस्ट 1.3 kg के अराउंड है। सही है, और ये स्पाइसेस हैं, बिल्कुल बेसिक स्पाइसेस हैं जो इस फिश के अंदर जाने हैं। मैंने जितनी बार भी अभी तक फिश बनाई है, मैं ज़्यादातर बेसिक्स ही यूज़ करती हूँ, और यकीन माने बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। कोई आपको इंग्रेडिएंट बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं, सारे इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो नॉर्मल रूटीन में घर में यूज़ होते हैं। सही है, तो उसमें मैंने यहाँ पर ले लिया 2 teaspoon, यहाँ पर मेरे पास सॉल्ट है, यहाँ पर मेरे पास 1.5 teaspoon ज़ीरा पाउडर है। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर इस तरीके से नहीं है तो दरदरा से कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और सेम गोज फॉर दिस सूखा धनिया पाउडर, ये भी 1.5 teaspoon है। अगर ये भी दरदरा से यूज़ करेंगे ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बट मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है तो जो मेरे पास पड़ा है मैं उसको एज इट इज़ यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी, हल्दी पाउडर है 1 teaspoon, ये है जी चिली फ्लेक्स है 1 teaspoon, और 1.5 teaspoon है यहाँ पर मेरे पास चिली पाउडर, क्योंकि मैंने ये थोड़ी सी स्पाइसी बनानी है, सो इसलिए मैंने चिलीज़ की क्वान्टिटी ज़रा ज़्यादा रखी है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जाएगा लेमन जूस जाएगा, ये फ्रेश लेमन जूस है, मैंने निकाल कर इस तरह से रखा हुआ होता है। और मैं इसके अंदर डालूंगी जी मैं लहसुन डालूंगी। अगर तो फ्रेशली चॉप करके डालते हैं तो बात ही अलग है, बट ये मेरे पास फ्रीज हुआ हुआ है तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। ठीक है जी, अब इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को मैं इसके अंदर बेसन के अंदर मिक्स कर दूंगी। ओ, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है जो मैं डालना भूल गई हूँ, शुक्र है मुझे याद आ गया। इसके अंदर जाएगी जी अजवाइन, जो कि अगर आप मछली बना रहे हो और उसमें अजवाइन ना डालें तो ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं 1/2 teaspoon डालूंगी, अगर मैं इसको ज़्यादा डालती हूँ तो जो है वो फिश कड़वी हो सकती है, इसलिए इसको मैंने डाल दिया 1/2 teaspoon मैंने इसको डाल दिया। और अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। अब जी इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी तकरीबन 1.5 teaspoon है ये लहसुन है जो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी, और इसको मैं अच्छे से जो है वो तोड़ लूँगी ताकि जल्दी से मैरिनेशन हो सके। इसके अलावा इसके अंदर मैं डालूंगी जी लेमन जूस, आपने अपने हिसाब से डालना है तो आपको जितना खट्टा अच्छा लगता है। ठीक है जी, तकरीबन 1.5, अगर मीडियम है ना तो 1.5 लेमन इसके अंदर स्क्वीज होकर डालेगा। ठीक है जी, तो लेमन ज़रा अच्छा लगता है सो मैं इसको ज़रा ज़्यादा डालती हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा पानी लूँगी। ये देखें जी, पानी डालती गई हूँ मैं, इतनी थिक मैंने रखनी है इसको, ज़्यादा मैं पतला नहीं बनाऊँगी। ठीक है जी, इसको थोड़ी सी थिक मैं कोटिंग रखूँगी और इसके बाद मैं इसको फिश को जो है ना हर स्लाइस लूँगी और इसमें डिप करती हुई जाऊँगी। फर्स्ट आई थॉट कि एक एक पीस को कोट करती हूँ और उसको ट्रे पे रखकर फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि अच्छे से जो है वो सेट भी हो जाएगा और हर पीस कोट भी हो जाएगा। फिर मैंने सोचा अभी तो मैंने बना लेनी है, तो सो मैंने इसको झटपट बस ऐसे ही रेंडमली डाल दिया बॉक्स में और अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी और थोड़ी के लिए मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में और फिर ये मैं बना लूंगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैंने इसको कुक करना है तो फिर मैं इसकी कोटिंग जो है जब फ्राई करने लगूंगी तब प्रॉपर कर लूंगी। अभी अच्छे से मैंने मिक्स करके इसको रख दिया है और फिर इसको मैं थोड़ी देर तक फ्राई कर लूंगी, क्योंकि अभी आज ही पकाना है। अगर आपने ओवरनाइट इसको इस तरीके से मैरिनेट करके रखना होगा ना तो फिर मैं आपको अलग तरीका बताऊंगी वो कैसे करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ मैंने 300 ग्राम ली है जी इमली ली है। मैं इमली का जैसे आप चटनी बनाते सिंपल सी नमक मिर्च और ज़ीरा डालकर, बिल्कुल वैसे ही मैं ये चटनी बना लूँगी। और ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं बाद में भी यूज़ कर सकूँगी, इसलिए मैंने 300 ग्राम यहाँ पर इमली ली है और इसको पानी डालकर मैं इसको उबलने के लिए रख दूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू ऐड सॉल्ट इन टू इट क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्टी होती है, जहाँ से मैं लेती हूँ ये सॉल्टी होती है। अगर आप पाकिस्तान में हैं बाहर से लेकर बनाते हैं तो वो सॉल्टी नहीं होती, उसमें आपको सॉल्ट एडिशनली ऐड करना पड़ता है। खैर, इसके अंदर मैं पानी डालकर इसको कुक होने के लिए रख दूँगी।
यहाँ पर जी मैंने शुगर ऐड कर दिया, लाइक 1.5 टीस्पून मैंने अभी शुगर ऐड की है। बाद में जब बनने के बाद मैं चखूंगी, अगर शुगर कम लगी तो मैं और ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर जो 1 टीस्पून जीरा पाउडर है जो मैंने इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। सॉल्ट जैसे कि मैंने पहले कहा मैं नहीं ऐड करूंगी, ये ऑलरेडी सॉल्टी है। थोड़ी सी बिल्कुल लाइक 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर ये देखें जी ठीक होना शुरू हो गया, ये देखें। और अभी मैंने इसको टेस्ट करके देखा है तो थोड़ा सा ना जो शुगर कॉन्टेंट है इसमें कम है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी शुगर और ऐड करने लगी, लाइक इट्स 1 टीस्पून, और मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मीठी बिल्कुल भी नहीं बनेगी इससे, बनेगी खट्टी, बट बहुत ज़्यादा जो खट्टापन होता है ना उसको कट करने के लिए आपको थोड़ी सी शुगर ऐड करनी पड़ती है, और आपकी चटनी बहुत मज़े की बनती है। एक बार ट्राई करके देखें, बड़ा मज़ा आएगा। 300 ग्राम इमली ली है मैंने, और साथ में इसमें ऑलमोस्ट अब चली गई है 2.5 टीस्पून इसके अंदर शुगर गई है, और सॉल्ट ऑलरेडी है, और इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर जीरा पाउडर ऐड किया, एंड दैट्स इट। और ये कुक हो रही है, जब ये थिक हो जाएगी तो मैं स्टोव बंद कर दूंगी और हमारी चटनी रेडी है। बाद में आप चाहें तो सीड्स रिमूव कर लें, नहीं चाहते हैं तो आपकी मर्जी, वैसे सीड रिमूव कर लेनी चाहिए, बट आई डोंट नो मैं करूँगी कि नहीं, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू नाउ। और ये देखें जी बिल्कुल रेडी है हमारी इमली की चटनी, बहुत मज़े की है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की है। सो इसको आप लाजमी बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ों के साथ इमली की चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो लाजमी बनाइएगा। अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी। बच्चे जिशान के साथ बाहर गए हुए थे, जिशान ने एक दो चीज़ें लानी थी और उनको एक छोटा सा काम भी था, तो बच्चे साथ ही चले गए थे, तो मैंने सोचा अब जो है ना सारे काम तो हो गए हैं, मैंने कुछ नहीं था खाया हुआ, और कॉफ़ी मैंने लाजमी पी थी क्योंकि मेरे फिर ना जो होते सर घूमने लगते हो तो नींद वींद बहुत ज़्यादा मुझे फिर आती है, तो जल्दी से मैंने एग्स बॉयल कर लिए थे अपने लिए, दो साथ कॉफ़ी बना ली थी, और अब मैं खा लूँगी तब तक। और ये देखें जी बच्चे अलबेक लेकर आए हैं, बर्गर भी खाया क्या है ना आप लोगों ने, आइसक्रीम लेकर आए, अच्छा क्या नहीं लेकर दिया ना अभी, अब मैंने आपको परसों तो जिंगर बना के दिया, फिर आपने खाना है गंदे। यहाँ पर जी मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने इसको गर्म किया है, और ये देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है, और मीडियम हाई फ्लेम पर ही मैं इसको पकाऊंगी, बट डालने से पहले मैं आंच जो है आहिस्ता कर दूंगी और फिर मैं इसको डालूंगी, ठीक है। मैं अभी इसे जो है ना अच्छे से कोट फिर से करूंगी, नीचे जो बेसन पड़ा है वो उसके ऊपर लगाऊंगी, और फिर अच्छे से कोट करके मैं इसके अंदर फ्राई करूंगी, ठीक है जी। ये देखें जी इस तरह से मैंने इसे कोट कर लिया अच्छे तरीके से, और अब मैं इसको फ्राई करना शुरू करूंगी। ये कोटिंग में सारा इसका मसाला है, तो कोट इसको आपने अच्छे तरीके से करना है वरना मज़ा नहीं आएगा, सही है जी। तो ये देखिए जी 4 to 5 मिनट्स में आपकी जो है फिश वो बन के रेडी हो जाती है, और अब मैं मीडियम हाई फ्लेम कर दूंगी और इसको कुक होने देंगे। अच्छा यहाँ पे ना मैंने फ्राइंग पैन गरम किया हल्की आंच की, और इसके ऊपर मछली रख दी है ताकि जो एक्स्ट्रा इसका ऑयल है ना वो नीचे निकल आए। आप चाहे तो ये स्टेप कर सकते हैं, नहीं तो चाहे तो स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये फिश बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, बट एक स्टेप है जो मैं इसमें लाजमी करती हूँ, जब मैं इसको फ्रीज़ करती हूँ मैरिनेट करके रखती हूँ ना, तो आज वो मैंने स्टेप मिस किया था, और वो स्टेप यूँ होता है कि पहले ना मैं जो फिश है ना उसको रख लेती हूँ ट्रे में, और उसके ऊपर मैं डस्ट करती हूँ मैदा, मैदा सीफ में डाल के उसके ऊपर डस्ट करती हूँ, अच्छे से उसको कोट कर देती हूँ, और उसके बाद जो है ये जो मैंने बेसन वाला बनाया था ना सारा मिक्सचर, उसमें फिश को डिप कर और फिर मैं ट्रे में रख देती हूँ और फ्रीज़ कर देती हूँ, और इस तरह से बहुत मज़े की जो है वो फिश बनती है। तो अपकमिंग वीडियोस में ना मैं इंशाल्लाह डिटेल से ये रेसिपी आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूंगी। सो ये भी बहुत मज़े की बनती है, बट वो वाला मेथड भी लाजमी ट्राई करिएगा, और साथ में आप इस तरह से आलू भी थोड़े से फ्राई करके रख सकते हैं, तो ये भी बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं फिश को। जिशान ग्रॉसरी करके आए ना, तो ये मैं वैसे तो नहीं थी मैंने बनानी एज सच वीडियो, बट मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ, अगर आप लोग ये साजिश बाय करते हो तो बिल्कुल नहीं करें, बहुत गंदा टेस्ट है इनका बहुत ज़्यादा, बट पता नहीं कि जिशान ले आते हैं, इन्हें ऑफिस में कॉफ़ी पीनी होती है तो ये ले आते हैं, मुझे ज़रा नहीं है पसंद, उफ बहुत पैथेटिक टेस्ट है इसका। नहीं आप 3 in 1 नेस्कैफे की भी लेंगे ना तो उसका भी मुझे टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत ही बुरी कॉफ़ी बनती है। एनीवेज़